रूसी मीडिया के हवाले से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर है। यूक्रेन ने रूस से बातचीत की पेशकश की है और रूस के राष्ट्रपति ने पुतिन को बातचीत का न्योता भी भेजा है। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को बातचीत का न्योता भी भेजा है और आगे बातचीत होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो एक बड़ी जानकारी यूक्रेन मीडिया के हवाले से मिल रही है। यूक्रेन ने रूस से बातचीत की पेशकश की है। हालांकि इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह साफ कर दिया था कि युद्ध के लिए वो भी पीछे नहीं हटेंगे और साथ ही आज सुबह ही युवाओं से भी हथियार उठाने की अपील की गई थी, जिसके बाद अब बातचीत के रास्ते खोल सकते हैं। ये बड़ी एक जानकारी यूक्रेन मीडिया के हवाले से मिल रही है। हालांकि रूस पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात में परिवर्तन देखा गया था और कई सारे हमले इससे पहले यूक्रेन पर हो चुके हैं। हालांकि रूस के इस कदम की बाकी सारे देश निंदा भी कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बातचीत के जरिए हल निकालने की अपील भी कर चुके हैं। तो ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अब जो न्योता भेजा गया है बातचीत का, क्या वो रूस के राष्ट्रपति स्वीकार करते हैं? अगर बातचीत होती है तो क्या इस समस्या का अब हल निकलेगा? खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।